उत्तराखंड के लक्सर में बाढ़ पीड़ित किसान ऋण माफी, बिजली का बिल माफ व फसलों का सही मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा आगामी 2 अक्टूबर को लक्सर में किसान महारैली का आयोजन किया गया। लक्सर में प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस नेता मोनू वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि पिछले दिनों लक्सर क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई थी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में मुआवजे के लिए 11,000 करोड़ की धनराशि जारी की गई थी, लेकिन किसानों को सरकार के मानकों के अनुसार ना तो उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया गया है और ना ही किसानों के बिजली के बिल माफ किए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी एक फसल तैयार करने के लिए लगभग 8,000 रुपए प्रति बीघा का खर्च होता है, मगर उन्हें मात्र 1,100 रुपए प्रति बीघा ही दिया जा रहा है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर लक्सर में कांग्रेस द्वारा किसान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। मैं मोनू कुमार वर्मा, एक मॉल कुछ नहीं बना रहे हैं, जो यहाँ पे करीब बरसात में 2 महीने पहले जो भयंकर बाढ़ आई है, उसमें जो किसानों का नुकसान हुआ है, उसमें सबको पता है, यहाँ जो फसल थी सारी बर्बाद हो चुकी है, टोटल फसल सारी खत्म हो चुकी है। उसका बीजेपी सरकार ने 1,100 रुपये मुआवजा देने का काम किया है, वो भी चुनिंदा आदमी को मिल पा रहा है, घर घर जो हर किसान तक मुआवजा नहीं पहुंचा, जबकि गन्ना बोने में 8,000 रुपये बीघा खर्चा आ रहा है। 1,100 रुपया खाली है, जख्म पे मल्हम लगाने का काम है, ये पूरी तरह सरकार फेल है, ये किसानों के बिल्कुल हक में नहीं है। हमारी यही मांग है, इसी कारण हम ये 2 अक्टूबर में प्रोग्राम करने जा रहे हैं यहाँ पे। मेन मुद्दा हमारा यही है, किसानों को उनका हक मिल सके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।